आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिनों से व्यस्तता रहने के कारण कोई भी नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो सका। आपसे प्रयास रहेगा कि आप सभी को रेगुलर वीडियोस जरूर मिले। आइए अब जानते हैं पूज्य श्री के केस के विषय में लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से सूचना है कि 391 की याचिका जो कि जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी और जिसके अंतर्गत डीसीपी अजय पाल लांबा को पेश होना था, इसी पेशी से बचने के लिए डीसीपी लांबा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर रोक लगाने हेतु अर्जी लगाई गई, जिसमें अपना नंबर न आ पाने के कारण 2 अगस्त को सुनवाई टल गई और अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। एक और खबर गुजरात केस के विषय में है, जिसमें पूज्य श्री के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो चुके हैं और अब इसी विषय में अन्य लोगों के बयान होंगे तथा उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। गुजरात केस में पूज्य श्री की बेल हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई गई है, जिस पर आज यानी 10 अगस्त को सुनवाई संभव है। इसी के साथ पूज्य श्री से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हरिओम। और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करें और स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर को अपने अपने ग्रुप्स में जरूर ऐड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।